हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज इस वीडियो में मैं रिव्यू नहीं और ओवरव्यू करने वाला हूं इस गाड़ी का। देख पा रही होगी शायद आपको हीरो की जो है ड्यूएट है, स्कूटी मेरे पास है। रिसेंटली भी परचेज करी, मेरे पास बाइक थी ऑलरेडी, बट मुझे उस बाइक में कुछ एक इश्यूज़ थे। मुझे डेली बेसिस पे चाहिए थी, तो मुझे स्कूटी चाहिए थी। तो मैंने स्कूटी पे जो भी रिसर्च करा कि कौन सी स्कूटी चाहिए, तो मुझे जो पसंद आई वो ये आई, हीरो ड्यूएट। क्यों पसंद आई तो मैं आपको इसके फीचर्स जो है वो बताने वाला हूँ। फीचर्स बता देता हूँ, ओवरव्यू कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इतनी चलाई नहीं है तो रिव्यू मैं कर नहीं सकता अभी। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद रिव्यू भी ज़रूर दूंगा इसका कि कैसी है चलाने में। तो एनीवेज चलते हैं, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ इसका। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है यहाँ पे। तो यहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 3D लोगो आपको मिल जाएगा। मोस्टली मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए था क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है, जैसे हमारा प्लेजर आता है होंडा का। हीरो का जो मेस्ट्रो एज है वो मेस्ट्रो एज फैब्रिक बॉडी में आता है, क्योंकि मेरे पास पहले जो बाइक थी वो हीरो की थी करिश्मा आर, उसमें सारे पार्ट फैब्रिक के थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसमें, कभी लॉक टूट जाना कभी। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि इसका जो मेटालिक पार्ट है और उसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे कि 3D लोगो है, देन कुछ ग्राफिक्स हैं। उसके बाद ये तो एक्सेसरी में आया था ये, देन उसके पास यहाँ पे फुट रेस्ट कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। और जो मेरी सबसे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया कि ये तो फैब्रिक है ये वाला, जो अगर मैं कवर की बात करूँ, साइलेंसर की बात करूँ, तो काफ़ी स्टाइलिश साइलेंसर है, मैं काफ़ी स्पोर्टी साइलेंसर है, और मुझे काफ़ी पसंद आया। आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है इसमें से, तो ये भी एक रीज़न है। और साइड में यहाँ पे एयर के लिए वेंट दिए हैं ताकि एयर क्रॉस होती रहे और कूलिंग का काम भी जो है प्रॉपर तरीके से होता रहे। उसके बाद मैं स्पेस की बात करूँ, सेकंड मेरी जो प्रेफरेंस थी स्पेस, क्योंकि मुझे कोई भी सामान ले जाना पड़ता था तो बाइक पे इतना इजी नहीं होता, तो मैंने इसलिए भी परचेज करा क्योंकि स्पेस काफ़ी मिल जाता है यहाँ पे, और बहुत आराम से आप कोई भी चीज़ कैरी कर सकते हो, जहाँ तक अभी मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर मैं फ्रंट की बात करता हूँ तो बाकी जो इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिएगा। 110.9 cc, लगभग 111 cc का इसका इंजन है। 8 BHP इसकी हॉर्स पावर है, ब्रेक हॉर्स पावर है, और 8.7 इसका जो है वो न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। तो ठीक है ओवरऑल, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। और बाकी माइलेज की बात करूँ तो जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है अराउंड 62-63, बट अभी तक जो मुझे मिला है, आई थिंक मैंने अभी चेक नहीं किया, बट फिर भी मैं बता दूँ टैंक फुल था और 126 किलोमीटर अभी चला हूँ और लास्ट के 2 फ्यूल सेल रह गए हैं। माइलेज अभी कैलकुलेट करूँगा मैं, तभी बता पाऊँगा इसका। तो यहीं से शुरू कर देते हैं फिर दोबारा से कि हैंडल की बात करूँ तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी इफेक्टिव जो इसका टर्निंग रेडियस है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से हैंडल होता है, टर्न काफ़ी अच्छे से लेता है, शार्प टर्न को भी। यहाँ पे जो है हमारा हेडलाइट का जो बीम सेलेक्टर दिया गया, लो बीम, हाई बीम, और साथ में यहाँ पे पास लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ पास लाइट किससे कि अगर आप यहाँ लो बीम पे हैं तो अगर आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यू कैन सी हियर, तो लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है, तो मींस ये पास लाइट काफ़ी काम करेगा, तो ये फीचर भी अच्छा है यहाँ पे। साथ में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेडलाइट का सिंबल है, इंडिकेटर्स दिए हैं, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स, साइड स्टैंड है, अभी मैंने लाइट इसमें लगवाई नहीं है, फर्स्ट सर्विस पे लगवाऊंगा, तो साइड स्टैंड, अगर साइड स्टैंड आपका खुला रह जाए तो ये ग्लो करेगा। और एनालॉग स्पीडोमीटर है, बाकी डिजिटल है, जो ऑडोमीटर है हमारा ट्रिप मीटर है वो डिजिटल है। और फ्रंट ब्रेक कुछ इस तरह से, फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हेडलाइट के ऊपर आपको हीरो लोगो मिलेगा, LED आपको हेडलाइट मिलेंगी, LED आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। यहाँ पे ड्यूअल टोन में जो है आपको जो है वो काफ़ी स्टाइलिश से आपको रियर व्यू मिरर मिलेंगे, शायद थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे डस्ट बूट कैप दिया हुआ है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, और देखने में भी थोड़ा ऑथेंटिक सा, मतलब अच्छा सा लग रहा है। और अगर मैं इसके बाद में फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे यहाँ पे बैटरी स्पेस होगा पीछे, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए। और नीचे चलते हैं फ्रंट मड गार्ड के पास, नीचे व्हील का बात करूँ तो 90-110 जो है उसका साइज है, 90-110, और दोनों ही व्हील जो है वो ट्यूबलेस हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, और जो काफ़ी अच्छा है, मतलब सस्पेंशन इसका बात करूँ काफ़ी
अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी मतलब हिली एरिया है, पॉट होल्स ज़्यादा हैं, तो जब जहाँ तक मैंने जो भी ऑब्जर्व करा तो सस्पेंशन काफ़ी इसका लाजवाब है, मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में, और कोई इसे इस तरह के शॉक्स जो है वो नहीं लग रहे हैं कि जिसके इसका जो टेल लैंप है काफ़ी अट्रैक्टिव दिया हुआ है, काफ़ी बाहर की तरफ को निकला है, स्टाइलिश स्पोर्टी लुक में है बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका फ्यूल लिड है, जो फ्यूल भरवाने के लिए जो टैंक कैप है वो बाहर दिया हुआ है, ना कि सीट के अंदर, तो आपको सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा आई थिंक, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से पीछे ये एसी जो है वो बढ़ा के दी हुई है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, और मैं तो मतलब हेडलाइट के ऊपर काफ़ी फिदा हो गया हूँ इसकी, मतलब मज़ा आ गया। एनीवेज अब मैं बात करता हूँ सीट के अंदर के स्पेस की, तो सीट को खोलने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे ले जाकर इस तरह से खोलना, सीट आपका ओपन हो जाता है, मींस जो सीट का और जो हमारा फ्यूल लिड है, जो हमारा टैंक का जो कैप है, वो दोनों ही की से ऑपरेट होते हैं, इमोबलाइजर की है ये, एंटी थेफ्ट है, कोई और की लगाएंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी एक इसमें फीचर है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ से ऑपरेट हो जाती हैं, सीट भी यहीं से खुलेगी और जो हमारा फ्यूल कैप है वो भी यहीं से खुलेगा। अच्छा, डिग्गी के अंदर स्पेस काफ़ी जेन्युइन सा स्पेस है, और काफ़ी और इसके अंदर एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो बूट लैंप दिया गया है, यहाँ पे जैसे ही आप सीट उठाओगे, ये कट पॉइंट है, सीट जैसे ही उठेगी तो ये उठकर अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जैसे ही सीट बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मेक श्योर कि आपकी सीट प्रॉपरली बंद हो, अदरवाइज़ ये आपका ऑन रह जाएगा, बैटरी आपकी ख़त्म कर देगा। तो सीट के अंदर स्पेस कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये टूल किट है जेनुइन सी वही, और इसके साथ एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया है, आजकल देना ही चाहिए टू व्हीलर्स में, काफ़ी टू व्हीलर्स दे रहे हैं स्कूटी में, इन्होंने ये देना शुरू किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे हिमाचल में लगभग 50,000 के आसपास, 50,000 कुछ, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 50,200 समथिंग कुछ इस तरह से जो है इसका प्राइस मुझे पड़ा, और साथ में 5 ईयर का जो इंश्योरेंस था वो उसका भी कुछ 8,000 समथिंग कुछ पड़ा। अभी रजिस्ट्रेशन इसकी मैं करवा रहा हूँ, कितने चार्जेस लगेंगे वो मैं बता दूंगा बाद में। तो यही था अभी इसका मोटा मोटा जो ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था कि स्कूटी किस तरह आया और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। अभी रिव्यू बाद में दूंगा चला के किस तरह से, आज जितना मैंने चलाया अभी तक मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, बाइक से मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 225 cc वाला बाइक था, करिश्मा आर, तो मैं उससे तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकता। हाँ, स्कूटी वर्सेस स्कूटी तो गुड एनफ, और मोस्टली जो कुछ एक फीचर थे कि फैब्रिक बॉडी ना हो के मेटालिक बॉडी है, और LED लाइट्स हैं, बाहर से इसका फ्यूल लिड ओपन हो जाता है, सीट वहाँ से ओपन हो जाती है, सो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, ये ओवरव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें यार, और टिल देन बाय बाय।